ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु महावाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा सतगुरु दीन दयाल होर सब देवा का दे दास जान दया करो गुरु देना केवल भेव देना केवल भेव सेवनित करूं तुम्हारी खीम कहे कर जोड़ लाज गुरु रखना हमारी गुरुदेव बिना नहीं भाग जगे गुरुदेव बिना नहीं प्रीत लगे गुरुदेव बिना नहीं हृदय शुद्ध गुरुदेव बिना नहीं मोक्ष पद सांगलपति महाराज होर सारण सबके काज बंसी नितर जी करे थे दुख मेटन महाराज ترجمة
सतगुरु देवदाता हर जी हमारी और चरणों का दास राखो शरण तुम्हारी के मागी जन्म 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 जन्मांतर मागी आई हर जी के तेतान मागी शरण में राखो आपकी शरण में मैं राखो। सतगुरु देवदाता हर जी हमारी और चरणों का दास रहूं शरण तुम्हारी। शरण में आयो तेरी दयालु करो मत देरी के पहली घणा दुख पा लिया भटक लिया अब तो देरी मत करो शरण में आ गया मैं शरण में आया तेरी दयालु करो मत देरी और सार सुध ले मेरी बिगड़ी सुधारी के जगह लारे छोटी मोटी कोई गलती उड़े बिगड़े तो बिना जल्दी सुधार करो और वो काम सिर्फ संसार में गुरु महाराज जी कर सके गुरु महाराज के अलावा कोई करणीय है नहीं संसार में। अखंड अनुपाप और जपू में तुम्हारा जाप और पलमाई काटो पाप पर उपकारी के आप अखंड हो अविनाशी हो परोपकारी हो तो थे माँ का जगह पाप करड़ा है पलमाई काटो और अखंड अनुपाप जपू में तुम्हारा जाप और पलमाई काटो पाप परोपकारी। सतगुरु देवदाता अर्जी हमारी चरणों का दास राखो शरण है तुम्हारी। दीन बंधु दीनानाथ शीश पे तुम्हारो हाथ और कबू नहीं छोटू साथ आचड़ी है खुमारी। सतगुरु देवदाता अर्जी हमारी चरणों का दास रहूं शरण है तुम्हारी। सतगुरु लादू दास पूर्जो हमारी आस और खीम है चरणों का दास आपका भिखारी। जद बड़ा बड़ा बता बड़ा महापुरुषी चरणा का भिखारी बन गया अपने आप ने चरणा का दास राख्या है और राख्या गुरु महाराज का ही रिया है जो गुरु महाराज को चरणा को दास बन जाए भिखारी बन जाए इन जगत को भिखारी बनवा की जरूरत को नहीं। तो संसार में सबसे पहले मनुष्य को कर्म हुआ कि गुरु की शरण में जावे और गुरु बनावे वह चाहे किसो लेकिन गुरु होना चाहिए संसार के मायने। जे बाबा जी कहता के बाजार के मायने जिया नकली नोट जाली नोट लंबो कौन चल सके बिना गुरु का आदमी भव सागर से पार हो कौन सके जिया गवर्नर की मोहर लागे नोट पर वो संसार में चाल सके बिया गुरु महाराज की इस जीव के एक मोहर लागे ज्ञान करावे वो संसार से पार हो सके। तो अपन सब पहली काम करना होगा इस संसार में गुरु महाराज के शरण में जा गुरु महाराज या गुरु छोटो मोटो जरूर बनानो है। और आज इस संसार में जितना ही भव सागर से पार हुआ है जगह ना हुआ है बाका ना हुआ जगह गुरु महाराज की शरण में गया है गुरु महाराज का नाम ने रखे है और माता पिता को आशीर्वाद लियो है। इस संसार में सबसे बड़ी तीन चीज है वो एक तो माता पिता को आशीर्वाद एक गुरु महाराज को आशीर्वाद। आज आ तीन जगह को आशीर्वाद एक जीव के सागर हुए बिन संसार में कोई रोकोनियो को नहीं हुए वो चावे जिया कर सके बिन गुरु महाराज या माता पिता के जाते रहो भलो हो
तो संसार में वो कोई आदमी को नहीं बिन ठुकरा सके या बिन नीचो दिखा सके। तो अपन सिर्फ तीन काम बहुत जरूरी है, एक तो माता पिता को और एक गुरु महाराज को आशीर्वाद। और संसार में पार उबा के लिए अपन ज्यादा प्रपंच करवा की जरूरत नहीं है। बाबा जी सीधो रास्ता बता गया है कि त्याग तपस्या ज्यादा कुछ करवा की जरूरत नहीं, क्योंकि गृहस्थी का यही धर्म है और नर नारी में प्यार, गृहस्थी का यही धर्म है और नर नारी में प्यार। और माता पिता सतगुरु की सेवा करनी है बारम्बार। और सुनो तुम सत शब्दा की सार, और पाप कपट ने छोड़ परेरा दूर मत दूर निवार। मन में दिल में कोई प्रकार की मलिनता नहीं होनी चाहिए। गुरु महाराज के शरण में जाओ तो साफ सुथरो, जब तक ज्ञान नहीं है वो तो कुछ गड़बड़ कर सके है। बाकी जब गुरु महाराज के शरण में जावे, जी गुरु महाराज बताओ भी करे तो भी संसार में भी जीव को भलो उन्नत है। बोलो गुरु महाराज की जय हो।